अस्सलाम वालेकुम, मेरी बहन यास्मीन का इंतकाल हो गया। उनके 9 महीने प्रेगनेंसी में इंतकाल हो गया। उनका सास टॉर्चर कर रहे थे उनको। तीन दिन पहले डिलीवरी से पहले 3 दिन पहले फोन खींच लिए, फोन पे बात नहीं करना घर वालों से, बोल के मैं देखती हूँ करती हूँ, बोल के उनको हॉस्पिटल लेके गए। मगर उनको वहां पर घर में उनका हो गया था इंतकाल। हॉस्पिटल लेकर जाके बोल रहे कि वहां पर घर में इमरजेंसी है, इमरजेंसी में है मेरी बहन, बोल के बोल रहे थे उनको। भैया को कॉल करे, भैया फिर काम से गए तो वहां तक जाने के बाद उनका इंतकाल हो गया बोल रहे, और हम लोग छोड़ के चले गए उन लोग वहां से। बाकी का जो भी है हम लोग ही करके ले लेके आए उनको। मैं सीएम सर, रेवंत रेड्डी और अकबर सर, असद सर, मेरी बहन आपके स्कूल में जॉब करते थे, टीचर थे, मैं भी वहां पर जॉब करी से हूँ सर। आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरी बहन को इंसाफ दिलाइए। उन्हें हमेशा टॉर्चर करता था मेरी बहन को। 9 मंथ्स वहां पर बाहर भी लेकर जाके उसने मालूम कर लिया कि उनकी बेटी है, बल्कि बेटी है, बल्कि मालूम होने के बाद में वहां पर भी उनको टॉर्चर करता था, मारता था, पेट पे भी मारा, उन्हें फेस पे भी मारा, उनको स्वेलिंग आ जाती थी। वीडियो कॉल करके भी बताया, हमारे बहन सबर करके लेके चल रहे थे। बच्ची के बाद भी बदलता होगा बल्कि समझे, मगर वो आदमी अभी भी नहीं बदला था। 3 दिन पहले फोन खींच लिया डिलीवरी से पहले, फिर इसके बाद में घर में हमारे को फोन करके बोल रहे कि बच्ची का सीरियस है, बच्ची हॉस्पिटल में आकर देखो बोल के बोल रहे हैं। उन लोग जाके देखे तक बच्ची का इंतकाल हो गया मेरी बहन का। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, प्लीज सर, अकबर सर, असद सर, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी बहन को इंसाफ दिलाइए। और उसकी सास को किशन बाग, सास को उसके सजा दीजिए और उसके शौहर को भी। सईद बोल रहा कि हम लोगों को क्या तुम मेरा उखाड़ ले सकते तुम ना, मैं यहाँ से यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ की पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती, बल्कि बोल रहा हूँ यहाँ की पुलिस भी अपना दम बताना, इसको वहां से लेके आके यहाँ पर उसको कैसा भी, उसको अरेस्ट करके उसको कैसा भी सजा दिलाइए, उसको कैसा भी। आप लोग कहाँ रहते? हम लोग संतोष नगर पर रहते। इसमें कंप्लेंट करे आप लोग? जी हाँ। कितने साल बाद शादी हुई? दो साल। पहले से शादी शुदा थे? जी हाँ। सेकंड बच्चे थे उनको? एक बच्ची थी, पहली बीवी की एक बच्ची थी, उसको भी हम लोग संभाल रहे थे। कस्टडी में से? जी नहीं, नहीं है, हम लोग उनको खाली संभाल रहे थे। उनकी सेकंड वाइफ, जब सेकंड वाइफ, फर्स्ट वाइफ भी उनकी जब प्रेग्नेंट है सेकंड टाइम, उसको भी बेबी गर्ल थी, उसका भी वैसे ही 9 मंथ में डिलीवरी के टाइम पर ही इंतकाल हो गया। बल्कि हम लोग को बोले बेबी को भी करोना हुआ, उसकी वजह से इंतकाल हुआ बल्कि बोले, मगर हम आपको नहीं मालूम था हमारी बहन के साथ भी ऐसा करते, दूसरों के साथ भी उन्हें वैसा करेंगे, उसको कैसा भी करके उसको सजा दिलाइए। बहन की तदफीन हुई है, उसके ससुराल वाले आकर देखे भी नहीं, हॉस्पिटल से गायब हो गए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ मेरी बहन को कैसा भी करके, मेरी भांजी का भी इंतकाल हो गया, मेरी बहन का भी इंतकाल हो गया, दोनों दो जानों की जान ले लिए उन लोग, उन लोगों को कैसा भी करके आप लोग सजा दिलाइए, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए उन लोगों को। क्या वजह बोले मौत की? हार्ट आया बोल के बोल रहे, लंग्स में पानी आया बोल के, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। बहादुर पीएस में हम लोग कंप्लेन करे, अभी उन लोग यहाँ से फरार हो गए, उन लोग हम लोग के हॉस्पिटल में ही पीछे से भाग गए उन लोगों को देख के। उन लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट है FIR को जल्द से जल्द आप लोग आगे बढ़ाइए और उसको अरेस्ट करिए और लोग को कैसा भी करके, और हमें इंसाफ दिलाइए आप लोग। सास देवर और दो भाई हैं, हम लोग चार हैं। किससे थी आपकी बहन? सास से थी, सास थी, शोहर बाहर है उनका, मगर यहाँ पर है कि सास बहुत टॉर्चर करे उनको, बाहर लेके जाके शोहर टॉर्चर करे उनको। वापस कंप्लेंट किनके नाम से दिए? सईद। दोनों के नाम से? जी हाँ, दोनों के नाम से दिए, सास और शोहर। ठीक है।